आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जोमेटो शेयर के बारे में। जोमेटो शेयर तो काफी चर्चा में रहा था लास्ट 2 इयर्स से। आईपीओ के बाद काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद ऊपरी लेवल 170 के लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और स्टॉक वहां से फिसल के ऑलमोस्ट 38-40 के आसपास पहुंच चुका था। कंपनी के लिए आज अच्छी इवेंट न्यूज आई है। कंपनी ने आज अपने क्वार्टर नतीजे पेश किए और अब तक के सबसे बेस्ट क्वार्टर नतीजे इसे माना जाए। सीधा चलेंगे जोमेटो के क्वार्टर नतीजे। लास्ट क्वार्टर में आप लोगों ने देखा होगा कंपनी ने फर्स्ट टाइम 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। एक्चुअली ये 2 करोड़ मायने नहीं रखते, पर कंपनी जो लॉस में चल रही थी इतने सालों से, उसमें से वो पहली बार प्रॉफिट में, ठीक है। और इस बार कंपनी ने उस नतीजे को भी बीट किया है और इस बार 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। और आप लोगों ने देखा होगा जोमेटो के प्रमोटरों ने अच्छी खासी मैनेजमेंट कमेंट्री दी थी। उन्होंने बताया था अभी हाल में जो उनकी रेवेन्यू है आने वाले 2 से 3 सालों में वो उतना नेट प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, मतलब कि उन्होंने एक गोल सेट किया है। तो जैसे कि उनकी कमेंट्री थी वैसे उनके अच्छे खासे नतीजे, अच्छे खासे तो नहीं बहुत ही अच्छे से माने जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर की बात करें 54% के आसपास अभी होल्डिंग चल रही है। शुरुआत के दौर में 10% के आसपास थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा FII का इंटरेस्ट था और अभी 54 वो होल्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ DII ने अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर्स में 4% बढ़ाई है, ठीक है। 4% जो 10% के आसपास थी अभी 13% के आसपास है, तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाएगा। पब्लिक के पास 30% है, उसमें भी 13% InfoEdge अकेला होल्ड कर रहा है, ठीक है। InfoEdge ये भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ साथ दूसरे भी होल्डर हैं 4% के आसपास, दीपेंद्र गोयल और उसके अलावा SVF ग्रोथ सिंगापुर होल्डिंग करते हैं। अदर्स में भी 2% के आसपास की होल्डिंग बनी हुई, ठीक है। स्टॉक की थोड़ी सी फंडामेंटल डिटेल चेक करें तो उसमें ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। आप सभी को पता है कि कंपनी करती क्या है, मेनली डिलीवरी का बिजनेस करती है। एक जगह से प्रोडक्ट लेके कस्टमर तक फूड की आइटम पहुंचाने का। और लास्ट 2 इयर्स में आपने सुना होगा कि जोमेटो ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दूसरी जगहों पे करना स्टार्ट किया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नाम था ब्लिंकिट, ये कंपनी भी लॉस मेकिंग थी। अभी ये लोग इसके ऊपर भी गोल सेट कर रहे हैं कि ये भी आने वाले 2 साल में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट करती हुई मानी जाएगी। इसके साथ साथ जोमेटो का खुद का क्लाउड किचन भी है जिससे भी उनकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। इसके साथ साथ कंपनी अपने डेटाबेस को भी बेचती है, उससे भी उनकी आमदनी। स्टॉक का बुक वैल्यू है ₹22, उसने ऑल टाइम हाई बनाया था जैसे कि मैंने बताया 170 के आसपास का, और वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी ट्रेड कर रहा है 116 के आसपास। अभी सीधा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम चार्ट पैटर्न पे जाएंगे, कौन से लेवल अपकमिंग डे में इंपॉर्टेंट रहेंगे उसकी बातें करेंगे। फिलहाल मैंने 1 डे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आज के दिन जो क्वार्टर नतीजे आए हैं जिस कारण से स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का आसपास का जंप लगा था, एंड ऑफ द डे 2% की अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई और स्टॉक ने 8% के आसपास क्लोजिंग, ठीक है। ये इंटर डे की बात है। स्टॉक के ऊपर आगे भी मैंने स्टॉक्स पोस्ट किए थे 88 लेवल पे और 93 के लेवल पे, और उस टाइम पे भी हमने सजेस्ट किए थे कि स्टॉक अच्छा खासा अभी अपसाइड के लिए रैली देगा, उसको मस्ट भी होल्ड करिए। और हमें टारगेट सजेस्ट किए थे 120 के और इसके ऊपर 150 के। तो फिलहाल आज के दिन 120 के लेवल को ऑलमोस्ट स्टॉक ने छू लिया है, ठीक है। तो अपकमिंग डेज में अभी इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे उसके ऊपर जाने के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ देता हूँ। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 114 का, उसने आज उसको बीट कर दिया और फाइनली इसने क्लोजिंग 114 के ऊपर दे दी, तो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी चीज़। बॉटम फॉर्मेशन की बात करूं, स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे एक W पैटर्न बनाया था और उसका ब्रेकआउट इस लेवल पे 77 पे मिला था, इस उसके बाद कंटिन्यू रैली अभी तक आपने देखी। अपसाइड के लिए अभी लेवल कौन से है, एक तो हमारे पुराने लेवल जो हमने बताया था 150 के आसपास के, ठीक है। यहाँ तक स्टॉक मिनिमम जाने की कोशिश करेगा, 150 के ऊपर निकलता है
स्टॉक के लिए उसका ऑल टाइम हाई 170 का है, वो रहेगा टारगेट के लिए। और जैसे कि 170 के ऊपर कंटिन्यू 3 सेशन अगर होल्ड करता है तो फिर स्काई इज द लिमिट स्टॉक के लिए बनेगी। हमारा पर्सनल व्यू रहेगा स्टॉक के लिए पर्टिकुलर, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, स्टॉक अच्छा खासा मुनाफा देगा ऐसा हमें लग रहा है। जी बिजनेस अगर आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पे अनिल सिंघवी करके पर्सन है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा व्यू इस शेयर के लिए बताया। उन्होंने 56 के आस अराउंड टारगेट सजेस्ट किए थे लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, और उन्होंने भी 150 के आसपास के टारगेट सजेस्ट किए। तो स्टॉक के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिए। और ये ना ही कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन है, हम यहाँ पे हमारा टेक्निकली व्यू आपके साथ लेवल टू लेवल शेयर करते हैं, ठीक है।